प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक आज की डेट में देश के बाहर अमेरिका के दौरे पर गए हों, लेकिन जो देश ने आर्थिक महाशक्ति बनने की रफ्तार पकड़ी है वो आज भी कायम है, जिसके चलते भारत ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है। गुड न्यूज निकल कर आ रही है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स को लेकर। वैसे सेंसेक्स ने जिस दिन 58,000 का आंकड़ा छुआ था और उसके बाद से ही हमें जिस दिन का इंतजार था वो फाइनली आज आ गया है। यानी सेंसेक्स ने इतिहास में पहली बार 60,000 का आंकड़ा फाइनली आज यानी 24 सितंबर 2021 को पार कर लिया है। वैसे बस सेंसेक्स ही नहीं बल्कि निफ्टी भी 17,900 के पार जा चुका है और अगले हफ्ते तक निफ्टी भी 18,000 के आंकड़े को पार करके इतिहास रचने वाला है। सेंसेक्स को लेकर कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से आज की डेट में सेंसेक्स में उछाल देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स 1,00,000 का आंकड़ा साल 2025 में या फिर उससे पहले छू लेगा, क्योंकि पिछले 4 सालों में सेंसेक्स 30,000 से 60,000 तक पहुंच गया है। इसी के साथ एक फैक्ट आपको और बताना चाहता हूं कि 0 से 30,000 तक पहुंचते सेंसेक्स को तकरीबन 31 साल लग गए थे, जबकि अगले 30,000 यानी 30,000 से लेकर 60,000 मात्र 4 सालों में पूरे हुए हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स अब सेंसेक्स के 1,00,000 के मार्क को क्रॉस करने की पॉसिबिलिटीज पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप सेंसेक्स का साल 1990 से लेकर साल 2021 तक का ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कि जिस तेजी से सेंसेक्स में पिछले 7 सालों में उछाल देखने को मिला है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला था, जो दर्शाता है कि भारत आर्थिक तौर पर मजबूत होने की दिशा में काफी तेजी से बढ़ रहा है। साथ में नोट करने वाली बात ये भी है कि ये उछाल पैंडेमिक और लॉकडाउन के बावजूद देखने को मिला है। सेकेंड वेव के दौरान जो भारतीय सरकार ने फर्स्ट वेव की तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ना लगाकर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था, उसके साथ साथ जिस तेजी से भारत का वैक्सीनेशन कैंपेन लगातार आगे बढ़ रहा है और अगले महीने फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, ये सभी चीजें इन्वेस्टर्स को भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रही हैं। खैर, वैसे सेंसेक्स की सफलता का श्रेय क्या आप मोदी सरकार को देंगे, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दूसरी खबर की बात करें तो वो देश के फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व हम रिपोर्ट करना भूल गए थे, यानी हमने पिछले हफ्ते मिस कर दिए थे। 2 हफ्ते पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व $8 बिलियन बढ़कर 642 यानी $642 बिलियन तक पहुंच गए थे, जो कि लाइफ टाइम हाई आंकड़ा था। लेकिन उसके बाद पिछले हफ्ते यानी 17 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन $1.3 बिलियन गिरकर 642 से $641 बिलियन तक पहुंच गए थे। ये था 17 सितंबर तक का डेटा, जिसके बाद आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक एक बार फिर भारत के फॉरेक्स रिजर्व में पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी छोटी सी $1.4 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। यानी अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व 641 से सीधा गिरकर $639 बिलियन यानी $639 बिलियन तक पहुंच गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दुनिया भर के टॉप 5 देशों की बात करें तो भारत आज भी 4th पोजीशन पर बैठा है और हमारे ठीक पीछे रशिया $619 बिलियन पर बैठा है। टॉप के 3 देशों की बात करें तो चाइना नंबर 1 पर, नंबर 2 पर जापान और नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड है। लेकिन जो आप इन देशों के नाम के आगे $37 बिलियन का उछाल देख रहे हैं वो तकरीबन 1-2 महीने का है, ना कि 1 हफ्ते का, क्योंकि ये तीनों टॉप के देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा 1 या फिर 2 महीने के बाद रिपोर्ट करते हैं, जबकि भारत और रशिया हर हफ्ते रिपोर्ट करते हैं।